और अपने बड़ी ठाट से बैठी है और सबकी भाभी। भाभी कौन जी को भाभी रहा? दो नंबर औरत को भाभी बोलेगा? कौन जी का भाभी? सीमा हैदर हीरोइन बनने जा रही है। जब तक सीमा 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 और अंजू 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 यही रहेगा और उसके बाद आपको कुत्तों ने पूछेगा। हम लिख के देते हैं, रंगीली सीमा हैदर है, आशिक मिजाज, खाली लड़के लोग बदलती है। दुबई में भी एगो बुरवा के साथ रील बनाई थी, आप पता नहीं अभी सचिनवा है, देखने में भी तो आपको पता ही होगा कैसा दिखता है। कोई आसमान से परी है का? चार बच्चा का माए है। बारिश का मौसम आता है और बैंक जो है अचानक से निकल आता, पैक पोंक पैक पोंक पैक पोंक, ये सुना होगा बिल्कुल। किनको इन सब में मलाई किनको दिख रही है? अमित जानी को करोड़पति बनना है। सीमा हैदर चालाक है, कबूतर बाज है जी। और एक दिन आप देख लीजिएगा, ए दो नंबर आदमी का पिक्चर कौन देखेगा? तो ये खुदे लगते है वो, इसने एक महीना तक मार घिस सीमा हैदर सीमा हैदर। फिर उसमें अमित जानी भी कूद गया नहाने के लिए डूब, जिसमें की सीमा हैदर एक रॉ एजेंट का काम करेगी। वाह, तो एगो अमित जानी को लगा कि इसी का मौका का फायदा उठा लेते हैं। भाई फायदा ऐसा उठाया, तो हम कहते हैं कि अमित जानी जी पाप का है कर रहे हैं, पिल्लू फर है, डर उड़ने लगता है। ये वही अमित जानी है। और अमित जानी के बारे में हम अगर बात करें तो अमित जानी कोई प्रोड्यूसर व्रोड्यूसर नहीं है भाई। अमित जानी एक पॉलिटिशियन है, नेता है। अच्छा, सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का मौका मिलने जा रहा है और उसे ऑफर किया गया है, वो भी एक नहीं दो दो मूवीज में। विदेश कमाने जाता है और पता चलता है कुछ समय के बाद कि बीबी भाग गई, बच्चों के साथ भाग गई। नेतागिरी से जब मन भर गया, नेतागिरी में कुछ हुआ नहीं, उसके बाद जाकर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई? मूवीज वगैरह तो आपसे होने से रहा, लिख के दे रहे हैं। एकदम नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? सीमा हैदर से प्रोड्यूस करिएगा क्या भाई? चार गो पहले प्रोड्यूस की हुई है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो भाई अच्छा सोचिए ना अमित जानी जी, क्या कर रहे हैं? सीमा हैदर यही आपको मिली, अंजू यही आपको मिली, बनाइए ना भाई। आपको बनाना है तो भगत सिंह पे मूवीज बनाइए, जितनी बनाइएगा उतनी हिट होगी। कल्पना चावला पे बनाइए, कल्पना चावला पे बनाइए भाई। चंद्रयान 3 देखिए, तीन बार चंद्रयान लॉन्च हो गया, उस पर बनाइए। बनाना है देखिए, थीम की कमी नहीं है, सोच का डिफरेंस है। आपको करना क्या है? पैसा कमाना है। कैसे कमाया जाएगा? तो सीमा हैदर नाम लेके भाई, पैसा कमाने का ये सही जरिया आपने ढूंढा है? शर्म करिए, शर्म। रंगीली दो नंबर की औरत, पाकिस्तान वाला तो सोच रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ ये दो नंबर का औरत हिंदुस्तान में चला गया। दो नंबर की औरत को लेके पिक्चर बनाइएगा। क्यों, हम क्यों देखे भाई तुम्हारा दो नंबर का? वो भी शादी शुदा, चार बच्चे की माँ, हवादार और कोई नहीं मिला, जूठे बर्तन मिला। महाभारत पे पिक्चर बनाइए, रामायण बनाइए, बनाइए ना भाई। अगर आपको बनाना है, भगत सिंह पे मूवीज बनी है, सचिन तेंदुलकर पे बनी है, एमएस धोनी पे बनी है, बहुत सारी मूवीज हैं, बनाइए ना भाई। बना क्या रहे हैं? सीमा हैदर पे आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं अंजू और सीमा को भगाइए लात मार के। उन पर मूवी बन रही है, उनकी स्टोरी पे मूवी बन रही है, सचिन और सीमा हैदर के मोहब्बत पे मूवी बन रही है। बना कौन रहा है? सीमा हैदर का जहां तक कटा हुआ है, शरीर में दाग है, किसके लिए काटी थी? वो बोलती है सचिनवा के लिए, हमको तो लगता है कि उसको इतना ना बॉयफ्रेंड था, उसी के लिए काटी है जी। तो ले सीमा के रंग बदलते हैं, लेकिन जब पिक्चर उसका रिलीज होना तो उसके मुंह पे गोबर मार दीजिए, उसके पोस्टर पे टिपा टिप, जब हम मारिएगा तो पता चलेगा पिक्चर फ्लॉप। तो वो खुद बेचारा जिसे पैसा कर्जा उर्जा लेके बनाया होगा वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अभद्र तरीके से जो मूवी बनती है वो मूवी नहीं बननी चाहिए, जिससे कि महिलाएं और जो आज के जेनरेशन है, कुंवारी लड़कियां हैं, उस पर के उसके दिमाग में कोई बुरा असर पड़े। ये सब नौटंकी देखने से तो बेटर है, वो तो बेचारा सोचा कि इसी में हम तो पैसा वाला बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, हाँ अब जाएंगे और सीमा को हम हीरोइन बना देंगे। कोई बड़ा डायरेक्टर बुला है पूछे तो? कोई नहीं, परिवार बैठ के देखे। ये दो नंबर का औरत को उठा के ले आए और उस पे वो कौन सा कारगिल का युद्ध लड़ा था क्या? ये दो नंबर का औरत अवैध तरीके से भारत में घुस जाती है और ये दिखाती है कि हमारा जो इंडिया का जो सुरक्षा बल कितना सुस्त है। ऐसे
सुस्त है और क्या, क्योंकि मैंने तो निकाह कर लिया, मैं एक वीडियो में देख रही थी, बेशरम अंजू साला बेटी शादी करने लायक हो जाएगी 5 साल के बाद, बुढ़ी लड़की मुंह पे मेकअप तोप करके है और खाली फिल्टर मार के आती है और कहती है कि मतलब तो निकाह कर लिए, नसरुल्ला का जिंदगी खराब कर दी। अब तो हमको भी शक लगता, अगर हिंदू होते तो कम से कम भगवान का नाम लेते और गलत को गलत कहते और सही को सही कहते। ऐसे हिंदू को तो मन करता है 2-4 थप्पड़ लपड़ जड़ दे, दिमाग सही हो जाएगा। तो उस नदी से मेढक बारक बनकर उछल पड़े हैं अमित जानी, दूर दूर से इनका वास्ता नहीं था, चले हैं पिक्चर बनाने के लिए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। गदर 2 रिलीज हो गई है जिसको देखने के लिए पब्लिक में होर लगी हुई है। उसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो सनी देओल अपने मोहब्बत को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए वो पाकिस्तान चले जाते हैं, अपनी मोहब्बत को हासिल कर उसे वापस लेकर आते हैं। तो ये एक प्रेम की कहानी है, एक मिसाल है, ये एक फिल्म है, लेकिन इसके परे एक और फिल्म बनने जा रही है। कहानी बस उल्टी है, 4 बच्चे की मां, 4 बच्चे की मां, सीमा हैदर को लेकर खबर है, ये कहानी है और उन पे एक मूवी बनने जा रही है। मूवी का नाम है कराची 2 नोएडा, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं अमित जानी जी। जी हाँ, आपको बता दें, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से इल्लीगल तरीके से इंडिया आती है, अपने 4 बच्चों के साथ आती है, अपने प्रेमी सचिन के साथ अभी अब उसके घर में रह रही है। उसको लेकर एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर हीरोइन बनने जा रही है। जी हाँ, सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का मौका मिलने जा रहा है और उसे ऑफर किया गया है, वो भी एक नहीं 2-2 मूवीज में। मूवी का नाम क्या है, उसमें सीमा हैदर का क्या रोल है और सीमा हैदर पर ये मूवी बनाई जा रही है, कौन बना रहे हैं, प्रोड्यूसर कौन है, इस तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रूबरू मिसेज इंडिया आइग्लैम मिस बिहार रह चुकी देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसिडर बबीता मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस पे बातचीत करेंगे। मैम, सीमा हैदर को मूवी बनाने का ऑफर मिला है, हीरोइन बन गई है तो आप पार्टी करिए। अभेद तरीके से कोई रंगीली औरत, वो भी 2 बच्चे भी नहीं, 4 बच्चे जी, 4 बच्चे की माँ, हवादार कहा जाए उसको, वो आती है और हीरोइन बन जाती है। ये तो दुर्भाग्य हमारे भारत का जी। हम इस कहें कि भारत को सांस्कृतिक के वजह से जाना जाता है, वेशभूषा के वजह से जाना जाता है, व्यवहार और शिष्टाचार के वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर की औरतों का खेल जो है वो लोग पसंद करने लगे हैं। एक तो अभेद तरीके से आ जाना जी, 4-4 बच्चे लेके आ जाना जी, वो भी उसको भी इंडियन नागरिकता मिल जाएगी। आप लोगों की ये जो कुछ कथा कथित जो कहना हिंदूवादी सोच रखने वाले लोग हैं, हाँ, जिनको लगता है कि सीमा हैदर तो हिंदू बन गई। अरे कैसे हिंदू बन गई, 4 बच्चा तो मियां का ही है, बिल्कुल, मुस्लिम भाई का तो 4 बच्चा है, तो हिंदू कहां से बन जाएगा। और रही बात सीमा हैदर की, तो पहले तो मुस्लिम के का ही ना पत्नी थी जी, बिल्कुल, किसी मुस्लिम के पत्नी से 4 बच्चा वो पैदा कर दी हवाई जहाज, और फिर वो इंडिया आती है हवाई जहाज के रास्ते ही, मतलब दो तीन कंट्री फांग के चले आती है, डांस भी करती हैं। एक मुस्लिम में एक ये होता है, पर्दा होता है, आप जैसे आप देख सकते, मैं भी देखती हूँ, मेरे बगल में भी है मुस्लिम, मेरी फ्रेंड भी मुस्लिम है, पर्दा होता है, लेकिन ये कौन मुस्लिम है भाई। हैदर को तो ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दी, बिल्कुल तमाम, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं बेचारा अपना बच्चों का पेट पालने के लिए जी, वो सऊदी अरब में जाता है, काम करता है, और वो काम करता है, उन लोगों की स्थिति देखे हैं आप, नहीं देखे हैं, मैं बताती हूँ, मैं जाती हूँ जी, मैं जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो
मैं देखी हूँ दुबई में जो जो चाहे वो हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, चाहे वो नेपाल के हो, जो भी मजदूर वहाँ काम करते हैं कैसे रहते हैं पता है? ये छोटा सा एक कमरा 10x10 का, उसमें कम से कम 10 से 15 लोग, बिल्कुल स्टेज बाय, हाँ स्टेज बाय स्टेज, और कबूतर खाने की तरह जिंदगी रहती है। दिन भर खटते रहते हैं, रात में उसको सोने के लिए वो कबूतर वाला कमरा दिया जाता है। सोचने की बात है कि इतनी तकलीफ के बाद, और आप विदेशों में आप जब जाएं कमाने के लिए, अगर मान लेते हैं कि आप 2000 दिरहम कमा रहे हैं, वो पेट काट करके वो सीमा हैदर को दे रहा था, उससे भी उसका मन नहीं भरा। उसके कपड़े देखिए ना, देखिए कितना कमा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उससे उस पे हम बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत हम इस पे करेंगे कि कोई इंसान अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माता पिता के लिए विदेश कमाने जाता है और पता चलता है कुछ समय के बाद कि बीवी भाग गई, बच्चों के साथ भाग गई। अरे वो मरा नहीं, वो इंसान, वो हैदर नहीं मरा, यही परी बात है। आज भी वो इंतजार कर रहा है अपने बच्चों के लिए। हाँ, तो वो आप जबरदस्ती किसी मुस्लिम के बच्चों को हिंदू कैसे बना सकते हैं? जब हिंदू के बच्चे को मुस्लिम बनाते हैं तो बहुत चिल्ला चिल्ली होती है ना, जी, बिल्कुल, कोई अपने मन से करता है या नहीं करता वो अलग मैटर है, हम नहीं जानते। लेकिन अगर ऐसी बातें आती है तो आप आवाज उठाते, हम आवाज उठाते, समाज आवाज उठाती, ये गलत है। तो आज सीमा हैदर के 4 बच्चे अगर मुस्लिम है तो वो हिंदू जबरदस्ती जो कथाकथित अपने आप को हिंदू समझते हैं, अरे तुम हिंदू हो? अब तो हमको भी शक लगता, अगर हिंदू होते तो कम से कम भगवान का नाम लेते और गलत को गलत कहते और सही को सही कहते। ऐसे हिंदू को तो मन करता है 2-4 थप्पड़ लपड़ जड़ दे, दिमाग सही हो जाएगा। जी, बिल्कुल। देखिए हम बात, संस्कार बहुत होना चाहिए, संस्कार की कमी है कुछ हिंदुओं में, इसीलिए भटक के रास्ता इधर उधर करने लगते हैं, और खास करके जो अधेड़ उम्र की भाभी सब है उसी के पीछे दिल लुटाते हैं। जी, तो अब पिक्चर की बात। मैम एक सवाल है कि सीमा हैदर ये वो पत्नी है जो काफी अपग्रेडेड, क्योंकि मोबाइल चलाती हैं, अपग्रेड मोबाइल रखती हैं, बिल्कुल, पबजी खेलती हैं, पबजी में खेलती। आज तक मैं पबजी खेलने नहीं जानती हूँ, पबजी में आसिकी चढ़ता है, पबजी खेलने नहीं आता। जी मैम, पबजी में आसिकी चढ़ता है और आसिकी इस कदर प्रमाण चढ़ता है कि एक देश से दूसरे देश इलीगल तरीके से आती है और रील्स भी बनाती है। हमने तो वीडियोस भी दिखाया, आप ही मैम, आप शायद आउट ऑफ कंट्री थी और आप ही ने वीडियोस भेजे थे टिकटॉक पे, यस टिकटॉक, तमाम वीडियोस जिसपे मिलियंस में व्यूज थे और बड़े बेढंग टाइप के वीडियोस, आप जैसे जो आप एक सभ्य समाज का हिस्सा जैसे आप हम ये बताओ ना, मैं बताऊं, दुबई में एक बुड्ढे के साथ वो रील बना रही थी। जी, अब दुबई में भी उसको एक बुड्ढा मिल गया, वो तो, कैसे मिल गया, अब वो कौन है ये कौन जान रहा है, लेकिन उस बुड्ढे के साथ भी वो दुबई में डील बनाती दिखी। तो ये और आज भी उसका यूट्यूब पे है, सॉरी टिकटॉक वहां चल रहा है और बकायदा उसका टिकटॉक को यूज कर रहा है। तो ये अपग्रेडेड पत्नी सीमा हैदर जो मोबाइल भी चलाती है, रील्स बनाती है, और देखिये इस रील्स और वीडियोज बनाने का असर, उन्हें फिल्म का ऑफर मिला है, मूवीज बनाना है उन्हें, उन पर मूवी बन रही है, उनकी स्टोरी पे मूवी बन रही है, सचिन और सीमा हैदर के मोहब्बत पे मूवी बन रही है, बना कौन रहा है? प्रॉब्लम क्या है ना जी, आप देखते होंगे बारिश का मौसम आता है और बैंक जो है अचानक से निकल आता है, पैक पोंक, ये सुना होगा, बिल्कुल। बारिश में लोग नदी नाला जो है वो मतलब नदी दिखने लगता जी, बिल्कुल, तो ये जो बार आप देख रहे हैं उस बार में उत्पत्ति हो गई कोई मेढक की जो फिल्म बनाने का उसको बुखार लग गया जी, उस जो अमित जानी है उसको बुखार लग गया मेढक, वो भी पैक पुक कर रहा है, उसको पिक्चर बनाना तो अच्छा मूवी बनेगा नहीं, क्योंकि हम गौतम बुद्ध के धरती पे हैं, उस पे आप पिक्चर नहीं बनाइएगा। महात्मा गांधी जैसे महान बापू हमारे देश में हैं, उन पे पिक्चर नहीं बनाइएगा, 2 नंबर की औरत को लेके पिक्चर बनाइएगा, क्यों हम क्यों देखें भाई तुम्हारा 2 नंबर का, वो भी शादी शुदा 4 बच्चे की माँ, हवादार और कोई नहीं मिला, जूठे बर्तन मिला है, कुंवारी लड़की के साथ पिक्चर बनाइए, अच्छे पारिवारिक पिक्चर बनाइए जिसमें कि लोग देखें कि भारत में संस्कृति
मायने रखती है। बिल्कुल, शकुंतला पे पिक्चर बनाइए, महाभारत पे पिक्चर बनाइए, रामायण बनाइए, बनाइए ना भाई, अगर आपको बनाना है पिक्चर बनाइए, अगर किसी पे आपको मूवी बनाना है, भगत सिंह पे मूवीज बनी है, सचिन तेंदुलकर पे बनी है, एमएस धोनी पे बनी है, बहुत सारी मूवीज है, बनाइए ना भाई, आप बना क्या रहे हैं। सीमा हैदर पे आपने देखा होगा कि मैं मेरे फादर बहुत छोटे थे तब बताते थे वो हमें, जब बचपन में, तो कहते थे कि माँ संतोषी मूवी आई थी जी, तो माँ संतोषी पे भी लोग उस समय जल ढारते थे पिक्चर हॉल में देखने के लिए। तो आप माँ संतोषी पे भी भगवानों की कमी है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता जी, में आप किसी पे भी मूवी बना लीजिए, संस्कार वाली मूवी बनाइए जो परिवार बैठ के देखे। ये 2 नंबर का औरत को उठा के ले आए और उस पे वो कौन सा कारगिल का युद्ध लड़ा था क्या? ये 2 नंबर का औरत अवैध तरीके से भारत में घुस जाती है, हमारे जवानों के मुंह पे एक तमाचा मार देती है और ये दिखाती है कि हमारा जो इंडिया का जो सुरक्षा बल कितना सुस्त है, ऐसे सुस्त है और क्या कीजिएगा। बिल्कुल अवैध तरीके से भारत अवैध तरीके से आ गई, बेचारा सोचा होगा कि ये औरत 4 बच्चा को लेके आई है, बेचारा दो को सस्पेंड भी करवा दी और अपने बड़ी ठाट से बैठी है और सबकी भाभी, भाभी कौन जी को भाभी रहा, 2 नंबर औरत को भाभी बोलेगा, कौन जी का भाभी है तुमको, यही छुछुंदर नहीं। अब उसको देखिए, उसको पता था कि हमने आपसे एक बात कही थी कि देख लीजिएगा जो रंगीली सीमा हैदर है, आशिक मिजाज, खाली लड़के लोग बदलती है। दुबई में भी वो बुरवा के साथ रील बनाई थी, आप पता नहीं अभी सचिनवा है, देखने में भी तो आपको पता ही होगा कैसा दिखता है, पता नहीं सुखरा लुखरा जैसा लगता है जी। हाँ, ना चेहरा है ना दांत है अच्छा है, फिर भी इसलिए वो उसको पकड़ के लाई कि उसको सुखरे लुखरे पसंद आएगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई हमको पिक्चर मिलेगा मैं हीरोइन बनूंगी, मैं काहे नहीं सलमान खान की गर्लफ्रेंड बन जाऊं। वो आने वाला समय में अमित जानी का जैसे जो अभी बाढ़ आ गया है, बारिश में अचानक से नदी में उफान आ गया है, तो उस नदी से मेढक बारक बनकर उछल पड़े हैं अमित जानी, दूर दूर से इनका वास्ता नहीं था, चले हैं पिक्चर बनाने के लिए, और क्या ही पिक्चर है, सीमा हैदर क्या है भाई, सीमा हैदर कोई आसमान से परी है का? 4 बच्चा का माए है, कल को बाल बच्चा का शादी करेगी। आई लड़की लोगों को दीजिए ना मौका, ये सब लड़की लोगों का मौका दीजिए, ये सब बुढ़ी औरत 35 साल 40 साल का औरत को आप क्या मौका दीजिएगा जी, समझने की जरूरत है। ये देखिए अमित जानी बहुत चालाक आदमी है जी, उसको पता है कोई पूछता नहीं है उसको जी, तो जब पूछेगा ही नहीं तो क्या करेगा बेचारा, वो भी जी गंगी बहती गंगा में हाथ धो लिया गया, माला साला पहना दिया, पिक्चर का नाम ले लिया, तो सोचा कि पब्लिक तो बहुत प्यार करती है सीमा हैदर को जी। सीमा सचिन को कहे ना सीमा हैदर, तो हमारे मुंह से भी निकलता है, बेचारा हैदरवा का तो हाल खराब हो गया, रो रो के उसका परेशानी देख ही रहा है जी। वो सोच रहा होगा कि सब बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद कर दिया, घर बेचवा दिया, बचुआ को ले जा करके कहाँ पटक दिया, किसके घर में, आप उसका अभी खाने लाले पड़े हुए थे कुछ दिन में, तो वहां से फिर भीख मांगने लगी, तो एगो अमित जानी को लगा कि इसी का मौका का फायदा उठा लेते हैं। भाई फायदा ऐसा उठाया कि पिक्चर 3 पिक्चर सुने चार रजिस्टर, हाँ रजिस्टर करवा लिए, सोचिए। अरे अमित जानी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है भाई, मास्टरमाइंड है ये, आपको याद बनना है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमित जानी के बारे में अगर हम बात करें मैम, तो ये वही है जो 2012 में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और खासकर बीएसपी के सुप्रीमो मायावती के मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था इन्होंने, ये वही अमित जानी है। और अमित जानी के बारे में हम अगर बात करें तो अमित जानी कोई प्रोड्यूसर नहीं है भाई, अमित जानी एक पॉलिटिशियन है, नेता है, नेतागिरी से जब मन भर गया, नेतागिरी में कुछ नहीं, उसके बाद जाकर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, मूवीज वगैरह तो आपसे होने से रहा, लिख के दे रहे हैं, एकदम नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? सीमा हैदर से प्रोड्यूस करिएगा क्या भाई, 4 को पहले प्रोड्यूस की हुई है,
क्या कहती है मैडम? बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अगर आत्मज्ञान ही अमित जानी को आना था, जानी को नाम है जी, जानी जाना नाम रख के कुछ ही किया है, भगवान जाने जी, सबका जाने ले लेगा ही। ये सीमा हैदर को पिक्चर बनाएगा, लोग आएगा इसके पिक्चर में देखने के लिए। सीमा हैदर का कहानी तो हम और आप सुन लिए, सीमा हैदर कैसे आई, कैसे चार को बच्चा पति को प्यार करके चार बच्चा भी हो गया, रंगीली दो नंबर की औरत। पाकिस्तान वाला तो सोच रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ ये दो नंबर का औरत हिंदुस्तान में चला गया। पाकिस्तान से मुझे मैम एक बात याद आई, ये अमित जानी जी का के कारनामे यहीं तक नहीं है। अच्छा, आपको याद होगा अंजू की बात। हाँ। अंजू जो भारत से पाकिस्तान जाती है। अच्छा। लेकिन हाँ, सीमा हैदर की तरह छुप के नहीं जाती है। सीमा हैदर चालाक है, कबूतर बाज है जी। और एक दिन आप देख लीजिएगा, सबका मतलब मीडिया का भी भाभी बना हुआ था, तो मीडिया को भी खूब लैम लाइट मिला। कोई मतलब भारत में कोई काम ही नहीं था उस दिन से, तो एक महीना तक मार घिस सीमा हैदर, सीमा हैदर। फिर उसमें अमित जानी भी कूद गया नहाने के लिए, डूब जी। तो ले सीमा के रंग बदलते हैं। बिल्कुल, सीमा तो, गई, हाँ, सीमा के रंग बदलते हैं जैसा कि मैम ने कहा। और हम बात करेंगे अंजू की, जो भारत से नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में उनके जो कारनामे सामने आ रहे हैं वो तो सुन के भाई साहब हम लोग के एकदम उड़ गए। लेकिन किनको इन सब में मलाई किनको दिख रही है? अमित जानी को करोड़पति बनना है। बिल्कुल, हम करोड़पति बनना है, इनको मलाई दिख रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अमित जानी का जो मूवी आए उसमें गोबर मारिए ऐसे करके, एक एक गोबर का गोबर, गाय की गोबर होती है उसमें, उसके मुंह पे नहीं मारिएगा, लेकिन जब पिक्चर उसका रिलीज होना तो उसके मुंह पे गोबर मार दीजिए, उसके पोस्टर पर टिपा टिप। जब आप मारिएगा तो पता चलेगा पिक्चर फ्लॉप, तो वो खुद बेचारा जिसे पैसा कर्जा उर्जा लेके बनाया होगा वो तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अभद्र तरीके से जो मूवी बनती है वो मूवी नहीं बननी चाहिए, जिससे कि महिलाएं और जो आज के जेनरेशन है, कुंवारी लड़कियां हैं, उस पर के उसके दिमाग में कोई बुरा असर पड़े। तब तो कल को कोई भी लड़की शादी करके जाएगी तो वो भी छोड़ के चली जाएगी, वो भी दूसरा शादी कर लेगी। और आज हम आए दिन देखते जा रहे हैं कि शादीशुदा औरत का ही अफेयर हो रहा है। हमारे कुंवारी लड़की गई तेल बेची, हजारों कॉल्स आए हमारे पास, और जो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि अंजू यही रहेगी, तो हम तो यही कहते हैं लगता है उसके भी घर में उसकी बीवी किसी के साथ चक्कर होगा 100%, तभी वो कहता है कि हमने हाँ, वो अपना देख रहा होगा कि हमारी बीवी तो किसी कमा के भी तो दे रहा है। अब एक बात बताए, पति नहीं कमाएगा तो पत्नी तो कहीं मुंह मारवे नहीं करेगा, वहां से ला रहा है तो बैठ के खा रहा होगा, घर परिवार चलाना है, बच्चे तो वही लोग ना सीमा का समर्थन करेंगे कि हम और आप करेंगे, या जो सभ्य समाज के जो लोग है, महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो लोग करेगी, लोग तो जूते जूते मारेगी, पिक्चर वा देखेगी। ये घिनौना घिनौनी का पिक्चर वा देखने से अच्छा है जाके राम जी का के मंदिर में 10 मिनट आप उनको देख लीजिए तो मन तृप्त हो जाएगा, या कोई मुस्लिम भाई है वो अपना दरगाह जाएंगे, ये सब नौटंकी देखने से तो बेटर है। वो तो बेचारा सोचा कि इसी में हम तो पैसा वाला बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, हाँ अब जाएंगे और सीमा को हम हीरोइन बना देंगे। कोई बड़ा डायरेक्टर बुलाया है पूछे तो? कोई नहीं। और वो बुलाएगा काहे के लिए? उसको पता है कि फ्लॉप हो जाएगा। बिल्कुल है क्या, मुंह में तो दुनिया भर का भर रहे हैं, चेहरा सही से देख लीजिएगा, जहां तहां कटल है दाग, सीमा हैदर का जहां तहां कटा हुआ है शरीर में दाग है, किसके लिए काटी थी? वो बोलती है सचिनवा के लिए, हमको तो लगता है कि उसको इतना ना बॉयफ्रेंड था उसी के लिए काटी है। और देखिए अगर हम बात अमित जानी की करें, सीमा हैदर को लेकर वो इतने एक्टिव हैं कि उनकी एक्टिवनेस दिख भी रही है, वो दो दो मूवीज को रजिस्टर करा चुके हैं, एक मूवी का नाम भी उन्होंने रख दिया है, दोनों मूवीज का नाम उन्होंने लीक कर दिया, मतलब पब्लिक के सामने रख दिया है। और तो और, हाँ जी छोड़ दीजिए, अंजू जो है वो भी कम नहीं है। बिल्कुल, उसका भी दो बच्चा है, कल को बेटी 15 साल की है, तो 5 साल के बाद तो बेटी शादी लायक हो जाएगी जी। उसको भी जवानी का जोश चढ़ा हुआ है, वो बुढ़ापा में जाकर के पाकिस्तान में नसरुल्ला के साथ बैठी है, नसरुल्ला का भी जिंदगी वो बर्बादे कर दी है,
ऐसा नहीं कि आबाद हुआ है, वो कुछ चंद रुपया जो है ना, उस रुपये का पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आप जाइए ना, दूध लीजिए, आटा लीजिए, आलू लीजिए, और मतलब एक पेट्रोल लेने जाइए, और बिजली बिल वहाँ का जो किराया आता है, जो हम लोग 2000-4000 बिजली बिल चुकाते हैं ना, तो वहाँ का एक आम आदमी 40,000 का बिजली बिल, 30,000 का बिजली बिल चुकाता है, तो उसी कितना दिन नसरुल्ला इसको ढो पाएगा, उसका बेचारे का जिंदगी नसरुल्ला का बर्बाद कर दी। अंजू अपने बच्चों के साथ आ गई, और तो निकाह भी कर लिया, कहती है कि मैंने तो निकाह कर लिया, मैं एक वीडियो में देख रही थी, बेशरम अंजू, साला बेटी शादी करने लायक हो जाएगी 5 साल के बाद, बुढ़ी लड़की मुंह पे मेकअप तोप करके और खाली फिल्टर मार के आती है और कहती है कि मतलब तो निकाह कर लिए, नसरुल्ला का जिंदगी खराब कर दी। वो जो भी है, जैसा भी है, वो उसके घर का जो दशा देखिएगा आप, कम से कम उसके माँ बाप तो कभी नहीं चाह रहे होंगे कि ये कोई दो नंबर का औरत, वो भी दो बच्चे की माँ से निकाह कर लेगी और उसका कलेजा शांति हो जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है ये 4 बच्चा का माँ उठा के लेके आ जाए, कोई माँ बाप नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। और जो ये अमित जानी कर रहे हैं, इसका डब्बा गया गुल, इसका पिक्चर जाएगा फुल, क्योंकि इसका पिक्चर देखने वाला कोई नहीं होगा, सबको पता है स्टोरी, आपको भी पता, हमको भी पता है, ए दो नंबर आदमी का पिक्चर कौन देखेगा, तो ये खुदे लगते है वो इसने, तब क्या कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अमित जानी जी मूवीज अभी भी सुधर जाए, अभी भी सुधर जाए, भगवान भरोसे हिंदू होटल में चले जाए, जो अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं, हम तो कहे कि एक बार करो भगवान का नाम लो, पाप मत करो जी। अगर पाप करना है तो भाई यही पाप का है, दो नंबर का औरत को पाप ही करना है, तो पाप करने की जरूरत क्या है। बोलते थे कि पाप जो करता है उसको पिल्लू फट जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि जवानी में पिल्लू फट जाए। मेरी मम्मी लोग कहती थी पाप कर भी तो पिल्लू फट दो, हमारा लैंग्वेज में जी, जी। तो हम कहते हैं कि अमित जानी जी पाप काहे कर रहे हैं, पिल्लू फट रहे हैं, डर उड़ने लगता है, तो उससे अच्छा है ना आप एक काम करिए, भगवान का नाम लीजिए, राम जी का मंदिर जाइए, वहाँ दर्शन कर लीजिए, और ये सब चक्कर छोड़ दीजिए, ये घटिया घटिया पिक्चर बनाने से अच्छा है राम जी का पिक्चर बनाइए। मैम ऐसे मूवीज की बात कर रहे हैं, मूवीज तो देखिए गदर 2 अभी रिलीज हुई है मैम, गदर 2 रिलीज हुई है, जिसके रिव्यूज हम देशवा न्यूज पे आप जाके देख सकते हैं, पब्लिक रिव्यूज जो है देशवा न्यूज की टीम जो है, हमारे रिपोर्टर्स जो है, लोग से जानकर जो दिखाए गए हैं, जो बताया है पब्लिक ने, वो भी दिखाया हुआ है। लेकिन हम अगर बात करें गदर 2 एक बेस्ट मूवी, एक लाइक गदर 1 के बाद गदर 2 रिलीज होना बहुत बड़ी बात है, और स्टोरी बेस्ड एक थीम पता चलता है। और दूसरी चीज जो अमित जानी जी बना रहे हैं, किस पे बना रहे हैं, तो सीमा हैदर पर नाम रखा है उन्होंने, नाम बता भी दिया है, कराची 2 नोएडा। वाह, जो सीमा हैदर पे मूवी बनने वाली है उसका नाम कराची 2 नोएडा होने वाला है। और यही नहीं, एक और मूवी बना रहे हैं जो कि पहले रिलीज होगी, पहले बनेगी, अच्छा, ये बाद में बनेगी, अच्छा, लेकिन इससे पहले एक मूवी बनने वाली है, अच्छा, जो कि राजस्थान के कन्हैया साहू मर्डर केस पे आधारित है, जिसका नाम अ टेलर मर्डर स्टोरी है, जिसमें कि सीमा हैदर एक रॉ एजेंट का काम करेगी। हे भगवान, काम के जो जैसा कर्म वैसा काम, देखिए कर्म जैसा किए वैसा ही काम भी मिल रहा है, कुकर्मी ही मिला। मैं फिर भी कहूंगी अमित जानी को, रास्ते से भटक गए हो, पैसा सब कुछ नहीं है जिंदगी में, पैसा आता है जाता है, ये जो बार बन का मैडक बने हैं अमित जानी जी, आपको लगता है कि मीडिया आपको कवरेज दे देगी, जब तक सीमा 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 अंजू 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 यही रहेगा, और उसके बाद आपको कुत्तों ने पूछेगा, हम लिख के देते हैं, कोई नहीं होगा, अच्छा पिक्चर बनाइए तो हम लोग भी जाने, हम लोग भी देखेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, दुर्भाग्य है, कोई कभी एमपी एमएलए बन जाएगी, कोई एनडीए की टीम पार्टी ने शायद उसको ऑफर दिया था, तो फिर पता चला कि वो गलत है, तो हमें लगता है कि अंजू को पाकिस्तान जाना चाहिए, वहाँ ये इंडिया में रह करके और इंडिया की महिलाओं को ये रूप नहीं दिखाना चाहिए, और हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आपकी बेटी आपकी बहू सुरक्षित रहे, तो कहीं ना कहीं अंजू और सीमा को भगाइए लात मार के,
जो जहां है वहीं रहे। जी बिल्कुल, देखिए जो जहां है वहीं रहे। और हम जो खबर लेकर आपके सामने आए थे वो खबर ये थी कि सीमा हैदर को लेकर मूवी बनने जा रही है और खासकर सीमा हैदर उसमें मेन रोल में रहेंगी। एक मूवी में वो मेन लीड रोल में रहेंगी जिसका नाम कराची टू नोएडा है और दूसरे में उनका रोल रॉ एजेंट का होगा जिस मूवी का नाम अ टेरर मर्डर स्टोरी है जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं अमित जानी जिनका नाम है। दोनों मूवी इन्होंने ही ऑफर किया है सीमा हैदर को। तो एक बड़ा अपडेट था सीमा हैदर से जुड़ा हुआ। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो बड़े बड़े मूवीज के लिए, अच्छी मूवीज के लिए, हालांकि देखिए जहां पे बर्तन होती है, बहुत सारे बर्तन होते हैं वहां पे ढनमन होते रहता है मैम, ठीक है। लेकिन अगर जहां पे अच्छाइयां होती है वहां पे बुराइयां होती है, लेकिन हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो भाई अच्छा सोचिए ना अमित जानी जी, क्या कर रहे हैं? सीमा हैदर यही आपको मिली, अंजू यही आपको मिली, बनाइए ना भाई। आपको बनाना है तो भगत सिंह पे मूवीज बनाइए, जितनी बनाइएगा उतनी हिट होगी। कल्पना चावला पे बनाइए, कल्पना चावला पे बनाइए भाई। चंद्रयान 3 देखिए, तीन बार चंद्रयान लॉन्च हो गया, उस पे बनाइए। बनाना है देखिए, थीम की कमी नहीं है, सोच का डिफरेंस है। आपको करना क्या है? पैसा कमाना है। कैसे कमाया जाएगा? तो सीमा हैदर नाम लेके भाई, पैसा कमाने का ये सही जरिया आपने ढूंढा है? शर्म करिए, शर्म। फिलहाल और कोई शब्द नहीं हमारे पास है, इस खबर में इतना ही, इस डिस्कशन में इतना ही। ऐसे ही तमाम तरीके की चर्चाओं के लिए और खबरों के लिए बने रहे आप देशवा न्यूज पर। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और देशवा न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, धन्यवाद।